तो दोस्तों अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड मूवी केसरी का ट्रेलर आ चुका है। ये मूवी एक ऐसे हिस्टोरिक इवेंट पर बेस्ड है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आज तक हमने जिन लड़ाइयों के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है उससे भी खतरनाक लड़ाई हमें इस सच्ची दास्तान में देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार ने इतना दमदार रोल आज से पहले किसी भी फिल्म में नहीं किया है। आज हम केसरी मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और बात करेंगे इसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में। तो आइए देखते हैं। इस मूवी में 19th सेंचुरी का टाइम दिखाया गया है जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अलावा बाकी देशों पर भी कब्जा करना चाहती थी, जिनमें से एक देश था अफगानिस्तान, और इसी वजह से अंग्रेज बार बार अफगानिस्तान पर हमला करते रहते थे। उस टाइम पर इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर दो किले थे, लॉकहार्ट किला और गुलिस्तान किला। ये दोनों किले अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे, पर ये दोनों किले एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसीलिए इन दोनों किलों के बीच में एक और किला बनाया गया जो था सारागढ़ी किला। सारागढ़ी एक गांव का नाम था जो कि पाकिस्तान के कोहत जिले में था। सारागढ़ी का वो किला लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों के बीच कम्युनिकेशन का काम करता था। उस टाइम पर कम्युनिकेशन के लिए हीलियोग्राफिक टेक्निक का यूज किया जाता था, जिसमें सनलाइट की हेल्प से मैसेज भेजे जाते थे। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के लोग हमारे देश में घुसना चाहते थे, पर इन तीनों किलों की वजह से उनका यहाँ आना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने कई बार लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों पर हमला किया, पर वो बुरी तरह हार गए। इसीलिए अफगानियों ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने सारागढ़ी के किले पर हमला करने का सोचा, क्योंकि ऐसा करने से लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों के बीच का कनेक्शन खत्म हो जाता और फिर वो आसानी से उन किलों को जीत लेते। सारागढ़ी किले पर सिख रेजिमेंट को तैनात किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 21 सिख थे। इस फिल्म में सारागढ़ी का किला और उसकी रक्षा करने वाले उन 21 सिखों की कहानी दिखाई जाएंगी। यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिखता है। इस बोर्ड के ऊपर सभी 21 सिखों के नाम लिखे हुए हैं और उनके नाम के आगे उनका रेजिमेंट नंबर लिखा हुआ है, जो कि उन सैनिकों का असली रेजिमेंट नंबर था। इन सैनिकों के लीडर थे हवलदार ईशर सिंह, जिनका रोल कर रहे हैं अक्षय कुमार। ईशर सिंह बहुत ही हिम्मत वाले इंसान थे। उन्होंने 17-18 साल की उम्र में ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वैसे तो ईशर सिंह ज्यादातर जंग के मैदान में ही रहते थे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए अपने गांव लौटे थे, तभी उन्होंने शादी भी की थी। परिणीति चोपड़ा इस फिल्म में ईशर सिंह की वाइफ का रोल कर रही है। ईशर सिंह की निगरानी में सारागढ़ी किले का कामकाज बिल्कुल सही चल रहा था, पर वो वक्त आ ही गया जब अफगानियों ने अपने खतरनाक इरादे को अंजाम दिया। 12 सितंबर 1897 को सुबह करीब 9 बजे सारागढ़ी किले के बाहर लगभग 10 से 12 हजार अफगानी जमा हो गए। ये नजारा देखकर सिपाही गुरमुख सिंह ने, जो कि उस किले का सिग्नल मैन था, उसने तुरंत ही लॉकहार्ट किले में ये मैसेज भेजा कि उन पर हमला हुआ है। लॉकहार्ट किले के कर्नल जॉन हॉफ्टन ने उन्हें जवाब दिया कि वो इतनी जल्दी उनकी हेल्प नहीं कर सकते। कर्नल हॉफ्टन ने सभी सिख सैनिकों को सरेंडर करने के लिए बोल दिया, पर ईशर सिंह ने लड़ाई का रास्ता चुना। इस सीन में ये अफगानी बोलता है कि आज ये तीनों किले हमारे हाथ में होंगे। यहाँ पर वो लॉकहार्ट का किला, गुलिस्तान का किला और सारागढ़ी किले की बात कर रहा है, और यहाँ इतनी सीरियस कंडीशन में भी अक्षय कुमार अपने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं, चल झूठा। लॉकहार्ट किले से कोई मदद नहीं मिलने के बाद ईशर सिंह ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। वो सभी सैनिकों के साथ किले के ऊपर अपनी बंदूकें लेकर तैयार हो गए और फिर शुरू हुई धमाकेदार जंग। 20 सैनिक अपनी बंदूकों से अफगानियों पर गोलियां बरसा रहे थे और सिपाही गुरमुख सिंह हर पल की जानकारी लॉकहार्ट किले में भेज रहा था। अफगानियों ने किले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश की, पर वो इसमें नाकाम हो गए। इसके बाद उन्होंने किले की एक कमजोर दीवार को तोड़ना शुरू किया और वो सब किले के अंदर आने लगे। तब तक सभी सिख सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो चुका था, इसीलिए अब वो बंदूक छोड़कर अपनी तलवारों और अपने हाथों से ही लड़ने लगे। यहाँ पर हमें अक्षय कुमार के हाथ में एक मेडल की रिंग दिखती है, जिसे उन्होंने पहले अपनी पगड़ी में पहना हुआ था। इस रिंग को चक्कर या चक्र कहा जाता है। ये एक ऐसा वेपन है जिससे किसी भी दूर खड़े हुए इंसान को मारा जा सकता है। इस चक्र को 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक मिलिट्री के सिख यूज किया करते थे। यहाँ अक्षय कुमार यानी ईशर सिंह के हाथ में एक तलवार है, जिसे उन्होंने आग में जलाकर तपाया है ताकि इससे दुश्मनों को मारने में आसानी हो। सारागढ़ी किले के सिख सैनिक एक एक करके शहीद होने लगे और सबसे आखिर में एक ही सैनिक बचा, जो था सिग्नल मैन गुरमुख सिंह। गुरमुख सिंह ने लॉकहार्ट किले में अपना आखिरी मैसेज भेजा कि उसके सभी साथी शहीद हो चुके हैं, अब उसे भी लड़ाई के लिए जाना होगा। उसने अपनी हीलियोग्राफिक मशीन को बंद किया और वो तलवार लेकर निकल पड़ा। गुरमुख सिंह के ऊपर अफगानियों ने आग के गोलों से हमला किया था। ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें एक जलता हुआ आदमी दिखता है, ये शायद गुरमुख सिंह है। सारागढ़ी किले के सभी 21 सिख सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उन्होंने अफगानियों को इतनी देर तक लड़ाई में उलझा के रखा था, जिससे ब्रिटिश सेना को तैयारी का वक्त मिल गया और उन्होंने अगले दिन वहां पहुंचकर सभी अफगानियों को हरा दिया। सारागढ़ी के उन 21 सिखों ने कम से कम 500 से 600 अफगानियों को मारा था, इसीलिए उनकी याद में आज भी इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाती है।
तो दोस्तों ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और केसरी फिल्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।